अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ. आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट. दिस इज यू नो टुडे आई एम फीलिंग लाइक हाउ आई फेल्ट 16 इयर्स अगो जब मैंने अपना करियर शुरू किया था कंपनी के पहले दिनों में. आई एम फीलिंग द सेम एक्साइटमेंट द सेम हंगर बिकॉज दिस काइंड ऑफ अ रोल इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर एनी एक्टर. बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ मैं. एंड आई ट्रूली बिलीव दैट एट द एंड ऑफ दिस जर्नी आई होप आई प्रे दैट आई शैल बिकम अ बेटर एक्टर and a better human being because of the inspiration that this film is all about. Narendra Bhai is one of the tallest leaders, not just in this country, but in the world. And I think that to bring him alive on screen, to bring his persona, to bring his inspirational qualities on screen is an incredible challenge. And I reach out to all of you, ki aap hame apna aashirwad dein, aap hame apne support dein, apna pyar dein, that we can make this incredible journey possible. बहुत डर था हम सबको इस फिल्म को सोचने में. और जब हमने सोचा तो मैं सबसे पहले बिना किसी से शेयर किए एक दिन पता किया कि विवेक कहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं. और मैं विवेक के पास गया. मैं बोला मुझे 5 मिनट का काम है आपसे. तो विवेक ने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि विवेक और मैं 18 साल से एक दूसरे को जानते हैं. और मैंने बोला भाई एक सोच है जो पॉसिबल नहीं है, पर अगर हमने एक साथ वो सोच रख ली तो शायद पॉसिबल हो सकता है. तो विवेक मेकअप करा रहे थे तो उन्होंने एक एक्टर की तरह मुझे बोला जल्दी बोल मुझे सेट पर जाना है. मैंने कहा भाई मुझे श्री नरेंद्र मोदी जी पर फिल्म बनानी है. उन्होंने बोला हाँ मैं कर रहा हूँ आगे बोल. तो मैंने बोला हाँ यही था बस. विवेक जी, जैसे सबने विवेकानंद आज पूरा नाम आपका लिया है, लेकिन विवेक जी ही अच्छा लगता है. और यहाँ उपस्थित सभी मित्रों, मीडिया के बहनों, भाइयों, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज एक नए इतिहास की शुरुआत इस पोस्टर लॉन्च से हो रही है. ऐसे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, इनके जीवन चरित्र पर एक फिल्म बने, मैं ऐसा मानता हूँ कि विचार ही अपने आप में बहुत महान विचार है. और मैं इस विचार के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. द पोस्टर ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी वंस अगेन. विवेक आनंद ओबेरॉय, सौभाग्य है कि एक ये ऐसे योगी कर्मयोगी का रोल निभा रहे हैं, ऐसी एक महान हस्ती का रोल निभा रहे हैं जिसे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सारे विश्व ने, सारी दुनिया ने अपनाया है. और मुझे उम्मीद है, ना सिर्फ उम्मीद है बट यकीन है, पूरा विश्वास है कि जितना मेहनती है विवेक और अपनी उनकी टीम, और मुझे उम्मीद है और यकीन है कि ये बहुत ही अच्छी एक फिल्म बनाएंगे.